हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। तो हूँ आप लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, स्टोकियोमेट्री जिस तरह मैं दस्सा सी सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा कि उस दे बेस तुहाडे प्रीवियस ईयर के अंदर रेगुलर दो बार टाइम्स क्वेश्चन आए नेगे। ठीक है, उस तो अलावा एक इंपॉर्टेंट गल सब ली, ठीक है, जिहड़े नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सानू स्लाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये उदों ही यूज़ करो जो तुहाडा लैक्चर च कोई पार्ट मान लै लिखना रह गया हो। वीडियो दोबारा देखने तो वधिया हैगा तुसी कि उत्थों अपने नोट्स तो बना लो, बट जिहड़े भी नोट्स ने तुसी अपने हैंड रिटन जरूर बनाओ। ठीक है, अपने हैंड रिटन ही जिहड़े लास्ट टाइम ते रिविजन करन च काम आउंदे नेगे। ठीक है ना, तो इसलिए नोट्स का यूज़ उदों ही करो जदों तुहाडा कोई भी पार्ट लिखना रह गया हो। ठीक है, इसलिए नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो बिल्कुल ज़्यादा बेनीफिट होगा थोड़े लिए, बिकॉज लास्ट टाइम तो आप सिर्फ अपनी कॉपीज ही पढ़ते होंगे रिविजन के परपज तो। चलिए अज आप कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, स्टोकियोमेट्री आप ने की डिस्कस किया कि जिस तरह अपन कोई रिएक्शन है N2+3H2 गिविंग 2NH3। ठीक है, पहली गल तो स्टोकियोमेट्री जो अपलाई करनी सी रिएक्शन शुड बी बैलेंस। ठीक है, रिएक्शन किस तरह होनी चाहिए सी, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। उस तो इलावा अपने डिस्कस किया कि इस रिएक्शन का की मतलब हैगा कि एक मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल H2 नाल टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। जिहड़े कोफिशेंट्स होंदे ने, इस दे अगे 1 कोफिशेंट हैगा, इस दे अगे 3 कोफिशेंट है, इस दे अगे 2 कोफिशेंट है, इसनों आपां बोल देंगे स्टोकियोमेट्री कोफिशेंट्स। ये चीज़ आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैंगे। उस तो इलावा जिहड़ा आपां एक टॉपिक डिस्कस किया जिसनों आपां बोलते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होंगे गा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का की मतलब होंगे जिस तरह CXHY जिन्हें अंदर कार्बन ते हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ने, कंबशन होंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा लार्ज अमाउंट के अंदर होंगी है, मतलब हमेशा एक्सैस के अंदर होंगी हैगी, तो अपने को प्रोडक्ट्स ही बनते हैं CO2+H2O। बाई चांस जे आप एक्सैस के अंदर ना लीए ऑक्सीजन, मतलब बहुत ही घट अमाउंट के अंदर ले लीए, तो CO2 की जगह CO फॉर्म हो सकता है, बट वो क्वेश्चन आपने नहीं करने। ठीक है, आप मोस्टली कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की कर देंगे, ऑक्सीजन की मान देंगे एक्सेसरी एजेंट मान देंगे, तो जेडे अपने को CO2 तो H2O की कि फॉर्म होएगा वो विद रिस्पैक्ट टू हाइड्रोकार्बन की कर दें मैजर करते होंगे। ठीक है, इस बेस आप कुछ क्वेश्चन भी करा। ठीक है, उस तो पहले आप कंबशन देख देंगे, कंबशन ऑफ, ठीक है ना, ऑरगैनिक के अंदर आप एक कंपाउंड पढ़ते हैं जिसनों आप बोलते बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये वाला बेंजोइक एसिड है COOH, या इसनों आप किमें लिख सकते हैं C6H5COOH+O2 गिविंग CO2+H2O। इस रिएक्शन जो बैलेंस करना हो आप किस तरह करांगे। ठीक है, एक बार वीडियो में पॉज करके तुम खुद ट्राई करो कि तुम इस रिएक्शन करैक्टली बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं। हूँ देखो, कई स्टूडेंट्स ने कार्बन के अगे 6 लगा देता होना क्योंकि उसे 6 है, बट ध्यान नाल देखो एक कार्बन उरे भी प्रेजेंट हैगा, तो अपने को टोटल कार्बन किन्ने हो गए 7 हो गए। हुण उस तो बाद आप बैलेंस करते सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उरे किन्ने ने 5+1 6, उरे किन्ने ने अपने को 2, मतलब उरे की लगा देंगे आप 3 लगा देंगे। उरे ऑक्सीजन देखो 7 14 14+3 17 अपने को ऑक्सीजन ने गए, तो उरे कि अपने को 2 ऑक्सीजन, मतलब उरे की लगा देंगे आप 15/2 लगा देंगे। इस तरह ये वाली रिएक्शन की होगी अपने को बैलेंस होगी। सिमिलरली जे आप इथेनोल का बैलेंसिंग करिए C2H5OH+O2 गिविंग CO2+H2O। ठीक है जी, इस रिएक्शन को अपने बैलेंस करना हो किस तरह करा, तो दसो भी अपनी कॉपी सॉल्व करो। ठीक है, कार्बन किन्ने उरे 2 ने गए, तो उरे भी 2 लगा देंगे, 2 लगाता उरे। ठीक है, हुण हाइड्रोजन देखो उरे 6 ने, उरे अपने को 2 ने, तो उरे की लगा देंगे आप 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन देखो उरे ऑलरेडी 3 ने गए, तो उरे अपने को 4+3 7, उरे अपने को ठीक है ना 3 प्रेजेंट ने ऑलरेडी, तो उरे की लगा देंगे आप 3 लगा देंगे। ठीक है, उरे अपने को 7 ने गए, उरे अपने को 1 प्रेजेंट सीगा, तो उरे लगा के टोटल 7 7 ऑक्सीजन हो गए दोहां साइड चो। ये तो अपने इन जनरल पढ़िया, हूँ जो आप किसी इन जनरल एक्सप्रैशन देखिए, इन जनरल एक्सप्रैशन की बन जाएगा, इन जनरल एक्सप्रैशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
मतलब एक्स की फॉर्म से कढ़ी आपां जे सी एक्स एच वाई कोई हाइड्रोकार्बन हैगा उसका कंबशन करवाया ऑक्सीजन एक्सैस की प्रेजेंस गिविंग सी ओ टू प्लस एच टू तो आपने सब तो पहला बैलेंस की करना होंगे कार्बन तो सी ओ टू के अगे किहड़ा कोएफिशिएंट लग जाएगा एक्स लग जाएगा सबनों क्लीयर हो गया होना हूँ वाई किन्ने ने अपने को हाइड्रोजन उरे बाई ने गए उरे टू ने मतलब उरे की लग जाएगा वाई बाई टू लग जाएगा हूँ अपने फाइंड आउट करने ने ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन का अगे कोएफिशिएंट आप लगावे ठीक है सपोज करो कोएफिशिएंट है एक्स का सपोज एन कोई कोएफिशिएंट है तो एन किस इक्वल हो जाएगा टू एन किस इक्वल हो जाएगा मतलब अपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है टू एन इज इक्वल टू उरे किन्ने ऑक्सीजन ने टू एक्स प्लस उरे किन्ने ऑक्सीजन ने वाई बाय टू ठीक है ना तो अपने को एन की वैल्यू किन्नी आ जाएगी टू एक्स प्लस वाई बाय टू ओवर टू ठीक है इसमें जो आप सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाय फोर ठीक है ना तो अपने को ओ टू का कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा एक्स प्लस वाई बाय फोर ठीक है मतलब इन जनरल एक्सप्रेशन की हो गया बैलेंसिंग रिएक्शन का सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई ओवर फोर ओ टू गिविंग एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाय टू एच टू ठीक है इस तरह अपना इन जनरल रिएक्शन भी कर सकते थे बैलेंस कर सकते थे ठीक वैसे इन्नी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होंगी इसकी बट क्योंकि आपने डिटेल से पढ़ रहे तो हाँ हर एक चीज़ में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे बट तुसी की याद रखना है जो भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाना अपने ठीक है ना तो बैलेंसिंग करते टाइम बैलेंसिंग का ऑर्डर की रखना है बैलेंसिंग का ऑर्डर की रखना है सब तो पहले कार्बन दैन हाइड्रोजन दैन ऑक्सीजन ठीक है कोई ए जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर फॉलो करना है बट इस ऑर्डर का क्वेश्चन थोड़ा ईजली सॉल्व हो जाता है ईजली बैलेंसिंग हो जाती है इसलिए मैं ये ऑर्डर स्टूडेंट्स को प्रैफर कर दाँगा आई थिंक हले तक सुन जिन्हें भी टॉपिक्स कराए ने सब क्लीयर हो गए होंगे हूँ आप नैक्सट डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर यह रहा थे फोर द कंप्लीट कंबशन ऑफ थ्री ग्राम इथेन हूँ इथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए है सबनों पता होगा CH3 इथेन होंगे अपने को द वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू फॉर्मड एट STP ठीक है ना मतलब अपने इथेन का कंबशन करवाया मतलब C2H6 का कंबशन करवाया प्लस O2 ठीक है O2 तो अपना एक्सेस के अंदर लेना होंगे गिविंग CO2 प्लस H2 की इस रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है ना उरे दो कार्बन ने तो उरे भी अपने को किन्ने आ जाएंगे दो कार्बन आ जाएंगे ठीक है हाइड्रोजन देखो सिक्स ने उरे टू ने उरे आप की लगा देंगे थ्री लगा देंगे हूँ ऑक्सीजन देखो फोर प्लस थ्री सैवन उरे कि ने टू ने गे मतलब सैवन बाय टू लगा देंगे इस तरह आप वाली रिएक्शन की कर सकते सी बैलेंस कर सकते सी हूँ देखो थ्री ग्राम इथेन दिता थ्री ग्राम इथेन का की मतलब है मोल्स किन्ने आ जाएंगे भाई इथेन के C2H6 से मास ओवर मोलर मास मतलब थ्री ग्राम इथेन का मोलर मास कि होंगे कार्बन का 12 + 3 + 12 + 3 आई थिंक इन्होंने सब ने कैलकुलेट कर लिया होना 30 ग्राम पर मोल तो ओवर कि आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कि आ जाएगा 0.1 मोल ठीक है सब ने कैलकुलेट कर लिया होना मतलब C2H5 C2H6 से 0.1 मोल लेंगे ठीक है हूँ 0.1 मोल तो पहला आप किस तरह करते होंगे बैलेंस रिएक्शन तो अपन की क्लीयर हो रहेगा 1 मोल C2H6 तो अपने को 1 मोल C2H6 तो अपने को 2 मोल CO2 बन रहे हैं ठीक है ये अपने तो क्लीयर हैगा बैलेंस रिएक्शन तो 0.1 मोल C2H6 तो किन्ने मोल CO2 बन गए लॉजिक भी सोच सकते 1 to 2 बन रहे हैं तो 0.1 तो 0.2 मोल CO2 बन गए चाहे इसनों तुसी अपने क्रॉस मैथड राही भी कर लेंगे ठीक है क्रॉस मैथड राही कर देता की होंगे तो इसनों आप इस तरह कर देंगे 2 × 0.1 तो भी कि आ जाता अपने को 0.2 मोल CO2 आ जाता बट उसने मोल्स नहीं पूछा CO2 के वॉल्यूम पूछेगा CO2 का कितना फॉर्म होएगा एट एस टी पी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होंगे भाई एट एस टी पी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होंगे 22.4 लीटर तो 0.2 मोल का कितना होएगा 0.2 × 22.4 लीटर ठीक है इसमें सॉल्व कर लेंगे अपने को आंसर आ जाएगा 4.48 लीटर्स ठीक है इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी चंगी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए हूँ देखो आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय
कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है ना, हुण ऑक्टेन देखो भी की हुंदा अपने को। ठीक है, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH C8H18। ठीक है ना, आई थिंक सबनों स्टूडेंट्स नूं आंदा होएगा किस तरह आप लिख देंगे, क्योंकि इन जनरल का फॉर्मूला हुंदा एल्किन्स का, वह की हुंदा अपने को CnH2n+2। जब आप एन की वैल्यू 8 पुट कर देंगे उरे तो अपने को फॉर्मूला की बन जाएगा C8H18। ठीक है ना, ये सब अपना ऑरगैनिक का पार्ट है, उत्थे भी डिस्कस करांगे। तो इसका अपने कंबर्शन करवाया C8H18+O2XS के अंदर गिविंग CO2+H2। ठीक है, ये तो अपने को रिएक्शन आ गई। हुण इसनों बैलेंस करना भी अपन चंगी तरह आंदा है, चलो बैलेंस करो इस रिएक्शन नूं। तो अपने को 8 कार्बन ने, उरे 8 लगा देंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखो उरे कितने 18 ने, तो उरे 9 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन देखो 9 ऑक्सीजन प्लस, ठीक है 16, ठीक है 25 ऑक्सीजन है उरे, तो आप 25/2 लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक सबनों रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होनी। ठीक है, हुण इस क्वेश्चन नूं आपां दो मैथड राय कर सकते हैं, चाहे मास मास एनालिसिस थ्रू कर दो, चाहे मोल मोल एनालिसिस थ्रू कर दो। ठीक है, आप मोल के थ्रू कर लेने हैं। पहला मोल्स फाइंड आउट करो, ऑक्टेन का मोलर मास कितना बन जाएगा अपने को, ठीक है 12 × 8+18। ठीक है ना, 12 × 8 = 96, 96 × 18 कितने हो जाएंगे अपने को 114। हुण देखो मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने आ जाएंगे अपने को, मास ओवर मोलर मास मतलब 570/114। ठीक है, कितने आ जाएंगे 5 मोल्स आ जाएंगे। हुण देखो बैलेंस रिएक्शन तो 1 मोल C8H18 तो किन्ने बन रहे हैं, 8 मोल CO2 बन रहे हैं, तो 5 मोल C8H18 तो किन्ने बनेंगे, 8 × 5/1 दैट इज 40 मोल CO2। ठीक है, और C8H18 है सब कितने। हुण देखो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास दैट इज 40 × 44 ग्राम। ठीक है, इसमें सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1760 ग्राम। जैसे उन्होंने पेपर के अंदर 1.7 kg ऑप्शन भी दिता जा सकता है, 1.76 kg भी ऑप्शन दिता जा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन सबनों क्लीयर हो गए होंगे, तो कोई भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन विदिन सैकेंड्स कर सकता है। हुण मैं एक टाइप के क्वेश्चन जिहड़ा इस साल तुहाडे प्री पेपर अंदर आया, उस टाइप के क्वेश्चन विदिन सैकेंड्स किस तरह कर सकते हैं वो सिखाउणा, ये क्वेश्चन आपां डिस्कस कर देंगे। तो उस तो पहले ये वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर वेपर, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। ठीक है, सेम टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन थोड़े एग्जाम के अंदर पूछा गया। देखो हाइड्रोकार्बन की होंगे CXHY। ठीक है, तो अपने को ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता, ऑक्सीजन तो एक्सएस च होंगी हमेशा, तो इसलिए उसके मोल्स नहीं दिता, तो प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है ना, इसके कितने मोल्स दिते ने 10, इसके कितने दिते ने 14 ml सॉरी मिली लीटर च, तो इसका कितना दिता है 50 ml क्योंकि वेपर की फॉर्म च है। हुण देखो अपने को हाइड्रोकार्बन तो, ठीक है 4 times की बन रहेगा CO2 बन रहेगा, इट मीनस जिहड़ा अपने को हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर 4 तो होएगा, मतलब कार्बन किन्ने होंगे 4 होंगे। ये गल तो अपन क्लीयर होगी, बिकॉज 10 ml तो की बनेगा 40 ml बन रहेगा। जो आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो अगे की लग जाएगा 4 लगेगा ना, क्योंकि 4 times बन रहेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर B आ वो कट गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B तक ही हो गया अपने को कट हो गया। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 1 हो सकता है। हुण देखो नैक्सट, देखो ऑक्सीजन आप गल करिए हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन 10 ml तो किन्ने बन रहे हैं, 50 ml बन रहे हैं, बट उरे किन्ने ने अपने को 2 हाइड्रोजन, तो आप 2 ना मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो उरे 5 times हो रहा है, तो हाइड्रोजन किन्ने ने उरे 2 ने, तो 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिहड़ा हाइड्रोजन ने वो किन्ने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो इस तरह उरे C4H10 की बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जिहड़े स्टूडेंट्स नूं इह मैथड नहीं क्लीयर हुंदा हैगा सपोज करो, ठीक है वो बैलेंसिंग वाला तो हमेशा ही वैलिड रहेगा। ठीक है, बैलेंसिंग वाला का मैथड हमेशा ही वैलिड है, बैलेंसिंग मैथड कि आप हर एक रिएक्शन बैलेंस करके देख लिए, तो उतो चैक कर लिए कि रेशो किस क्वेश्चन बन रहेगा। बेसिकली रेशो की बन रहेगा हाइड्रोकार्बन इज टू CO2 इज टू H2, जिहड़ा इसका रेशो हैगा
10:40:51 रहेगा, इट मीनस 1:4:5। ठीक, जेडे भी क्वेश्चन ई वाला रेशियो बनेगा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक है, उरू अपने को देखो इस तरह के क्वेश्चन आप दो ही मैथड ट्राई कर सकते हैं। ठीक, होर क्वेश्चन आप ट्राई कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 50 ml ऑफ गैसिस हाइड्रोकार्बन इज बर्नड विद ऑक्सीजन गिव 2.5 liter ऑफ CO2 एंड 3 liter ऑफ वाटर। देखो हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन करवाया, अपने को CO2 प्लस H2O मिला। ठीक है ना, इसका अपने को 500 ml, इसका अपने को कितना है 2.5 liter। ठीक, 2.5 liter का मतलब हो गया 2500 ml, तो वाटर का मिला 3 liter, तो ऐसा मतलब होगा 3000 ml। क्लीयर है? हूँ देखो आप पहले कार्बन चेक करिए। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन तो देखो 500 तो कितने जा रहेगा, 2500 जा रहा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा हो रहेगा। इट मीनस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, कार्बन एटम्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो देखो दो ऑप्शन तो कट गए अपने, ऑप्शन नंबर 1 तो ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए। हूँ देखो हाइड्रोजन ली, तो हाइड्रोजन कितने तो कितने जा रहे हैं। ठीक है, 500 to 3000, मतलब 6 times हो रहेगा। बट क्योंकि अपने को हाइड्रोजन तो 2 बन रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई किस ना करेंगे, 2 ना करेंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 C5H12। तो ऑप्शन नंबर डी की हो जाना सी, इसका करैक्ट आंसर हो जाना सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, जो आपको बैलेंसिंग आती होगी तो थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी बैलेंसिंग वाला मैथड तो क्रॉस चैकिंग वाला तो हमेशा ही वैलिड हैगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इस साल आए थे, इसलिए मैंने इस ट्रिक्स नाल तुम दसदा कि किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन तुझे खुद ट्राई करना है। ठीक है ना, वीडियो में पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से अपने ही डिस्कस किया। हाँ, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई टाइप का क्वेश्चन है। 3 liter मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 10 liter CO2, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ ईच मिक्सचर। देखो अपने को प्रोपेन है प्लस ब्यूटेन है, दोहां का वॉल्यूम कलैक्टिवली किन्ना है, 3 liter है। अपन नहीं पता कि प्रोपेन का किन्ना है तो ब्यूटेन का किन्ना है, तो उन्होंने अपने की कराती कंप्लीट कंबशन करवाती, तो अपने को 10 liter की बनी CO2 बनी। तो अपने फाइंड आउट की करना है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब प्रोपेन किन्ने लीटर है तो ब्यूटेन किन्ने लीटर है। ये क्वेश्चन थोड़े तो पूछा गया, बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, है इसमें आप डिस्कस कर देंगे। हूँ देखो टोटल अपने को 3 liter दिता है। सपोज करो जो प्रोपेन आप एक्स मान लेने गए, एक्स लीटर मान लेने गए, तो ब्यूटेन का वॉल्यूम किन्ना होएगा, 3 - x liter। ये तो सबनों क्लीयर हो गया, जो टोटल एक्स हैगा तो प्रोपेन दिन टोटल 3 liter है, जो प्रोपेन एक्स मान लेंगे तो ब्यूटेन का 3 - x हो जाएगा। ठीक है, यह जो कोई रूल नहीं है कि अपने प्रोपेन एक्स मानना है, तुम ब्यूटेन एक्स मान के कटोगे तो भी आंसर सेम आएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला होंगे C3H8 एंड ब्यूटेन का फॉर्मूला होंगे C4H10। ये सब नूं पता होएगा। हुण आपां इन्हां दी कंबशन करवाई, कंबशन लई की रिएक्शन होणगीआं, C3H8 प्लस O2XS दे अंदर गिविंग CO2 प्लस H2O। ते इस रिएक्शन नूं बैलेंस करो, सिमिलरली C4H10। ठीक है, अपने प्रोपेन ते ब्यूटेन दी कंबशन रिएक्शन लिखी है, उरे की लग जाएगा 3 लग जाएगा, उस तो बाद हाइड्रोजन लिए 4 लग जाएगा, तो 4 + 6 = 10 तो उरे की लग जाएगा 5 लग जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस होगी अपने को, सिमिलरली उरे की लग जाएगा 4 लग जाएगा। ठीक है, उरे 5 लग जाएगा, तो ऑक्सीजन लिए उरे 5 + 8 = 13। ठीक है, और 13/2 लग जाएगा। वैसे ऑक्सीजन बैलेंस करने की रिक्वायर्ड नहीं होंगी क्योंकि अपना जो मेन काम होंगे गा वह हाइड्रोकार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड तो ही होंगे गा, बट फिर भी आप चलो बैलेंसिंग प्रैक्टिस लिए कर लेने। हूँ देखो अपने को इसका 1 liter होंगे जी, तो इस तो अपने को 3 liter CO2 बनता। जे अपने को एक्स लीटर है, हूँ अपने को किन्ना है, एक्स लीटर है, अपने प्रोपेन का एक्स लीटर बनने का, तो अपने को जो CO2 किन्ना बनेगा, 3x liter। ये सब नूं क्लीयर हो गया होगा कि प्रोपेन तो किन्ना आया, 3x liter फॉर्म होया CO2। हूँ प्रोपेन तो ब्यूटेन तो देखो
जे इसका 1 लीटर होंगे गा तो अपने को 4 लीटर CO2 बनता, 1 लीटर C4H10 तो 4 लीटर CO2 बनता। जे अपने को 3 - x लीटर है तो उस तो किन्ने बनेगा, क्रॉस कर दो 3 - x * 4 डेट इज 12 - 4x लीटर। ठीक है ना, तो अपन टोटल किन्ना दिता है, ठीक है जो टोटल है, टोटल मतलब प्रोपेन ते प्रोपेन तो जोड़ा मिले तो ब्यूटोन तो जोड़ा मिले CO2 टोटल किन्ना है 10 लीटर है। तो 10 लीटर किस दिक्कत आ जाएगा 3x + 12 - 4x, तो वो अपने को एक्स जो सॉल्व करेंगे वो किन्ना आ जाएगा, ठीक है ए 3 - x, ठीक है। और जो आप एक्स में सॉल्व करेंगे 10 - x + 12, ठीक है तो एक्स किन्ना आ जाएगा 12 - 10 मतलब 2 लीटर, मतलब जो अपने को प्रोपेन हैगा वो 2 लीटर है, तो ब्यूटेन किन्ना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन किन्ना हो गया अपने को, प्रोपेन X = 2 लीटर, तो ब्यूटेन किन्ना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल अपने को किएगा 3 लीटर है। ठीक है, इस तरह आप कंपोजिशन कर सकते हैं मिक्सचर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा, ठीक है, इस लैवल का क्वेश्चन शायद ही मास्टर कैडर पूछा जाए, बट फिर भी तुसी इस लैवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हूँ तक देखो जिड़े भी अपने क्वेश्चन डिस्कस किए ने गए वो आप ऑक्सीजन लेंदे सीगे, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस से होंगी सी, तो आप जो स्टोकोमेटर लगाते सके वो हाइड्रोकार्बन की लगाते सके, मतलब कहता कि मतलब है कि जिस तरह हाइड्रोकार्बन तो किन्ना CO2 बन रहेगा, अपने कभी भी ऑक्सीजन के रेफरेंस नहीं कढ़िया। बट देखो जी अपने को एक एक्सेस रीएजेंट ना प्रेजेंट हो, सपोज करो आप होर क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे जिस दे अंदर, ठीक है, जे ये वाला डायरैक्टली अपन एक्सेस रीएजेंट ना आता हो, तो हम अपन हाइड्रोकार्बन के किसी का पता है कि O2 एक्सेस से होंगे गा, तो आप रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के रिस्पैक्ट से कट देंगे। ठीक है, बट जे अपन डायरैक्टली ना आता हो कि ऑक्सीजन एक्सेस हैगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह कर देंगे, उस लिए आप एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसनों आप बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट एंड एक्सेस रीएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिमिटिंग रीएजेंट एंड एक्सेस रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट एंड एक्सेस रीएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट का की मतलब होंगे तो एक्सेस रीएजेंट का की मतलब होंगे। हूँ देखो लिमिटिंग रीएजेंट की होंगे गा द रीएजेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लीयर इन द रिएक्शन, मतलब अपने रिएक्शन करवाई, सपोज ए ते बी दी रिएक्शन करवाई अपने, तो अपने को प्रोडक्ट बने सी, तो जो अपने को ए ते बी अंदर हूँ ए ते बी अंदर रिएक्शन हो रही हैगी, सपोज करो बी पहला की हो गया कंज्यूम हो गया, ठीक है ना, द रीएजेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लीयर इन द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन अंदर पहले ही कंज्यूम हो जाए। हूँ जिन्ना तक अपने को बी सी उन्ना तक अपने को रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, वंस द लिमिटिंग रीएजेंट इज कंज्यूम, हूँ जो पहला कंज्यूम हो गया इसमें आप बोलेंगे लिमिटिंग रीएजेंट। हूँ जो तो लिमिटिंग रीएजेंट कंज्यूम हो गया तो अपने को रिएक्शन की हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप की हो जाएगी, बिकॉज रिएक्शन तो ए तो बी कारण हो रही थी, बट बी बी तो पूरा की हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। दैन वट वा एवर बी द प्रोडक्ट, जोड़ा ही प्रोडक्ट सी बनेगा वो किस दे अकॉर्डिंग बनया होएगा, बी दे अकॉर्डिंग, मतलब ए दे अकॉर्डिंग नहीं चलना अपने, ठीक है ना, चलना किस दे अकॉर्डिंग है, लिमिटिंग रीएजेंट दे अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसने ही डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट किन्ना फॉर्म होया, जिन्ना तक बी हैगा सीगा उन्ना तक सी फॉर्म हो रहा है, जो तो बी कंज्यूम हो गया तो उदो सी भी बनना खत्म हो गया, मतलब जो अपने को प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन है वो किस दे अकॉर्डिंग होएगा, अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रीएजेंट। तो ए अपने को की हो जाएगा फिर एक्सेस रीएजेंट, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट अंदर प्रेजेंट है, तो ए की हो जाएगा एक्सेस रीएजेंट, तो बी की हो जाएगा अपने को लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। हूँ एक्सेस रीएजेंट ए कुछ अमाउंट बच जाएगा, तो वह भी अपने को पूछ सकता है कितना एक्सेस रीएजेंट बचिया तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होया, इस दे बेस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हूँ अपन को पता चलो किहड़ा लिमिटिंग रीएजेंट है तो किहड़ा एक्सेस रीएजेंट है, उस लिए अपने कदे भी डायरैक्ट मोल्स नहीं देखने कि जिसके ज़्यादा मोल्स वह एक्सेस रीएजेंट, जिसके घट मोल्स वो लिमिटिंग रीएजेंट, नहीं इस तरह नहीं करना, अपने एक पूरा मैथड फॉलो करना है, वो ही आप डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वैन द अमाउंट ऑफ मास मोल्स और वॉल्यूम ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब एक तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स दिते होन आर गिवन इन द क्वेश्चन, दैन द कॉन्सैप्ट ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट इज अपलाइड। हूँ लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सैप्ट आप अपलाई किस तरह करने का, चलो आप स्टैप बाय स्टैप करने का। स्टैप वन, ठीक है, राइट बैलेंस कैमिकल रिएक्शन, राइट बैलेंस कैमिकल रिएक्शन,
ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ N2 ਪਲੱਸ 3H2 ਗਿਵਿੰਗ 2NH3, ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 N2 ਦਾ, 3H2 ਦਾ ਅਤੇ 2NH3 ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਤਾ N2 ਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੋਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, H2 ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ 5 ਮੋਲਸ ਨੇਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ N2 ਦੇ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੋਲਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੋਲਸ ਅਤੇ 5 ਮੋਲਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਣਗੇ ਜਿਹੜਾ N2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਅਤੇ H2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਏਜੈਂਟ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਲਸ ਆਏ ਨੇਗੇ ਸਟੈਪ 2 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਲਸ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲਸ ਮਤਲਬ 3 ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੋਲਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ, 3/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ H2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 5/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਲਈ ਆ ਗਈ, H2 ਲਗਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੋਲਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 1.5 ਮੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 1.33। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਲਸ ਟੂ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ H2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। H2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿਉ ਚਾਹੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ N2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਕਸੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਏਜੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ 3 ਮੋਲ H2 ਗਿਵਸ 2 ਮੋਲ NH3, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਮੋਲ N2 ਗਿਵਸ 2 ਮੋਲ NH3, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ N2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੈਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, N2 ਪਲੱਸ 3H2 ਗਿਵਿੰਗ 2NH3 ਗਿਵਨ, ਮੋਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, N2 ਦੇ 3 ਮੋਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, H2 ਦੇ 5 ਮੋਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ NH3 ਫੋਰਮਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ NH3 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸਦੇ, ਇਸਦੇ 3 ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਮੋਲਸ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਰੇ 3/1 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸਰੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, H2 ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, H2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਫਰੋਮ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 3 ਮੋਲ H2 ਗਿਵਸ 2 ਮੋਲ NH3, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 5 ਮੋਲ NH3 5 ਮੋਲ H2 ਕੀ ਦੇਗਾ, 2×5/3 ਮੋਲਸ NH3। ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਆਫ NH3 ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਮ ਹੋਣਗੇ, 10/3 ਮੋਲਸ। ਜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ N2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਟੋਕੀਮੈਟਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਜਸਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, N2 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ।
हूँ इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते सी हूँ तो सैकेंड टाइप का क्वेश्चन की बनेगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सएक्स एक्सएस रिएक्टेंट लेफ्ट कि किन्ने मोल्स ने जो एक्सएस रिएक्टेंट के वह किने बच गए ने अपने को क्लीयरली देखो ठीक है सिमिलरली लिखो कि थ्री मोल एच टू किस ना रिएक्ट करते हैं वन मोल एन टू नाल फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन थ्री मोल एच टू रिएक्ट विद वन मोल एन टू तो अपने को बचा कि ठीक है फाइव मोल एन टू कितने रिएक्ट करेगा फाइव मोल एच टू रिएक्ट विद फाइव इंटू वन बाय थ्री डेट इज़ फाइव बाय थ्री मोल एन टू मतलब जेडे फाइव बाय थ्री मोल एन टू ने की करेंगे रिएक्ट करेंगे तो एन टू लैफ्ट कि हो जाएगा मोल्स ऑफ एन टू लैफ्ट टोटल मोल्स माइनस ठीक है नाइट्रोजन जिन्हें कंज्यूम हो गए तो टोटल मोल्स किन्ने से अपने को ठीक है थ्री मोल्स से तो कंज्यूम किन्ने हो गए फाइव बाय थ्री तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री माइनस फाइव बाय थ्री मोल्स ठीक है इसमें आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर बाय थ्री मोल्स एन टू लैफ्ट जो आप बोल सकते हैं फोर बाय थ्री मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लैफ्ट ठीक है अपने जेडे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट से एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सैप्ट क्यों नहीं सीखा सी क्योंकि उस ऑक्सीजन ऑलरेडी एक्सेस के अंदर होंगे सी बट उरे अपने पहले फाइंड आउट करना कि एक्सेस रिएक्टेंट है तो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है जी रिएक्शन अपने प्रोसीड करवानी है वह लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग करवानी है मतलब जो अपने स्टॉक्यूमेटर का कॉन्सैप्ट लगाना है वह लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही लगाना है जिसनों आप लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल देने तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल देने तो एक होर क्वेश्चन कर देंगे उसके थ्रू हम ज़्यादा क्लैरिटी होनी है हूँ देखो एक सूँ कोई बैलेंस रिएक्शन दी है सपोज कर लो बैलेंस रिएक्शन दी है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ डी फॉर्मड एंड मोल्स ऑफ ए लैफ्ट ठीक है किन्ने मोल्स ऑफ ए लैफ्ट ने गे तो किन्ने मोल्स ऑफ डी फॉर्म ने गे ठीक है गिवन डैट मोल्स ऑफ ए तो मोल्स ऑफ बी ने हूँ उसने पूछ लिया मोल्स ऑफ ए लैफ्ट तो क्लीयरली आप हो जाएगा कि जोड़ा एक्सैस रिएजेंट है वह की है ए है बट आप वेरीफाई भी कर लें अपन मोल्स इतने ए दे टेन तो बी दे भी कितने इतने टेन मोल्स इतने डिवाइड कर दो स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नाल डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय फोर फाइव ठीक है ए की हो गया अपने को लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि लैस रेशियो वाला की होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे मतलब बी की हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया एंड ए की हो गया एक्सेस रिएक्टेंट हो गया हूँ रिएक्शन किस दे अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी हूँ जो अपने डी का कितना फॉर्म होएगा किस दे अकॉर्डिंग कटेंगे बी दे अकॉर्डिंग तो हूँ देखो बैलेंस रिएक्शन तो ये बैलेंस रिएक्शन की है फाइव मोल बी गिव्स वन मोल डी तो अपने को किन्ने मोल्स ने बी बी दे टेन मोल्स ने टेन मोल बी विल गिव टेन इंटू वन डिवाइड बाय फाइव मोल डी डेट इज टू मोल्स ऑफ डी विल फॉर्म टू मोल ऑफ डी विल फॉर्म क्लीयर है तो यह आप उदों ही अप्लाई कर पाए जो तो आपको पता से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की है जो आप एक्सेस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लाते तो अपना आंसर गलत आएगा तो वह वाला भी सूँ ऑप्शन दिता होएगा इसलिए ध्यान रखना कि आपने हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करना है हूँ तुम करो सैकेंड पार्ट अटैम्प्ट किन्ने मोल्स ऑफ ए विल लैफ्ट ठीक है मोल्स ऑफ ए लैफ्ट तो इसका भी सैकेंड पार्ट डिस्कस कर लेने फाइव मोल बी किस ना रिएक्ट कर देगा रिएक्ट विद टू मोल ए ठीक है बैलेंस रिएक्शन तो अपने को टेन मोल बी किस ना रिएक्ट करेगा टेन मोल बी विल रिएक्ट क्योंकि अपन टेन मोल दिते ने टेन इंटू टू डिवाइड बाय फाइव डैट इज फोर मोल ए मतलब मोल्स ऑफ ए किन्ने कंज्यूम होंगे फोर ठीक है मतलब लैफ्ट किन्ने रह जाएंगे अमाउंट मोल्स लैफ्ट टोटल किन्ने ने टेन ने गे टेन चो फोर तो कंज्यूम हो जाएंगे तो बच गए किन्ने सिक्स मोल्स ठीक है ना तो मोल्स ऑफ ए लैफ्ट कि आ जाएगा सिक्स मोल आंसर आ जाएगा
ठीक है, ये जो फोर मोड ए आए नेगे ये की नेगे जो एच बी नाल की कर लेंगे कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे, तो जोड़े बच गए वो किन्ने गए अपने को 10-4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक सूँ क्लीयर हो गया होगा, जिन नहीं क्लीयर हुआ एक होर क्वेश्चन आप डिस्कस कर देंगे। हूँ देखो आप वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मैगनीशियम प्लस ओ टू मिल गया अपने को मैगनीशियम ऑक्साइड हूँ ऑन स्टार्टिंग विद 48 ग्राम मैगनीशियम एंड 64 ग्राम ओ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एम जी ओ फाउंड। ठीक है, पहला स्टैप की हूँ अपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, एम जी प्लस हाफ ओ टू गिवस एम जी ओ, ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो अपने लिख ली। तो मोल्स ऑफ एम जी किन्ने आ जाएंगे, तो 48 मैगनीशियम का जो मोलर मास हूँ 24 होंगे, डैट मीनस टू मोल्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किन्ने आ जाएंगे 64, ओ टू का होंगे अपने को 32, डैट इज इस भी किन्ने आ जाएंगे अपने को 2 मोल्स आ जाएंगे। जोड़ा अपने पहला क्वेश्चन किए थे उस डायरैक्टली दिते थे बट उरे अपन डायरैक्टली नहीं दिते। हूँ आप जो मोल्स वाई कोफिशियंट का रेशियो देखिए, मोल्स वाई कोफिशियंट का रेशियो देखिए, मैगनीशियम लिए कि आएगा भी तो 2/1 और मैगनीशियम। ठीक है, तो अपने लगे ऑक्सीजन लिए कि आएगा 2/1/2 मतलब 1/2 का मतलब कि 2 उपर चला जाएगा मतलब इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये कि आएगा 4 आ जाएगा। तो लैस रेशियो किस लिए है, मैगनीशियम लिए है, तो मैगनीशियम की हो गया अपने को, मैगनीशियम की हो गया अपने को लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, मैगनीशियम की हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो हूँ रिएक्शन किस दे अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी, मैगनीशियम दे अकॉर्डिंग फॉर्म करेगी। हूँ देखो फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन उरे वन है मतलब बैलेंस रिएक्शन तो 1 मोल मैगनीशियम किन्ना आंदा है, 1 मोल एम जी आंदा है। तो अपने को मोल्स है कि नहीं, मैगनीशियम के 2 मोल्स ने, 2 मोल मैगनीशियम किन्ना देगा, 2 मोल एम जी ओ, तो मास किन्ना फॉर्म होएगा, मास ऑफ एम जी ओ मोल्स इंटू मोलर मास, डैट इज 2 × मोलर मास किन्ना हो जाएगा 24+16 डैट इज 40। तो अपने को आंसर किन्ना आना सी 80 ग्राम आंसर आ जाना सी। ठीक है ना, देखो किन्ने वधिया वधिया क्वेश्चन तुहानू करवा रहा है, ठीक है, बट तुहानू प्रैक्टिस जरूर करनी हैगी। ठीक है, गल ध्यान रखनी, जिहड़ा कोफिशियंट का यूज़ कर देंगे आपां ये जस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट ते एक्सेस रिएक्टेंट नू फाइंड आउट करने लई कर देंगे, होर इसका कोई, ठीक है, रिएक्शन अंदर परपज़ नहीं। जो तो आपां ने रिएक्शन ते स्टोइकोमेट्री लगाउणे तां आपां जिहड़े कोल मोल्स नेगे, ठीक है, जिहड़े मोल्स गिवन ने उसके अकॉर्डिंग लगाउणे हैगे। ठीक है ना, तो बैलेंस रिएक्शन तो आपां नू पता चलेगा कि किन्ने मोल किसने रिएक्ट करते हैं, तो आपां नू दित्ते होणगे इन्ने मोल किन्ने नाल रिएक्ट करनगे। ठीक है, वो चीज़ आपां ने फाइंड आउट करनी हुंदी हैगी। ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आउणगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन्स नू, तो उन्होंने मे बी डिफिकल्ट लग सकता है, बट प्रैक्टिस करो। चलो थोड़ा एक होमवर्क देके जाना है, एक क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट करना करो, ठीक है, 0.5 मोल BaCl2 इज मिक्सड विद 0.2 मोल Na3PO4 कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BA3PO फॉर्म्ड। ठीक है ना, किन्ने मोल्स फॉर्म्ड होंगे इसके। ठीक है ना, तुसी पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है, फिर एक्सेस रिएक्टेंट देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग की लगानी हैगी स्टोइकोमेट्री लगानी है। ठीक, किस दे अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएक्टेंट दे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चैप्टर अपना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर अपने एक कल की क्लास आप स्टोइकोमेट्री कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उस तरह आप देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन ते कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब 3-4 क्लासेस हाले अपनियां इस चैप्टर ते होर लगनगियां। ठीक है, चैप्टर मैं डिटेल च क्यों पढ़ा रहेगा, क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही चैप्टर काम आने वाला है, तो इसलिए आप इसमें जो चंगी तरह पढ़ लेंगे तो अपन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ईजी लगेगी। आई थिंक सूँ ये लैक्चर क्लीयर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जे किसी ने कोई डाउट होंगे तो मेरे को पूछ लिया करो, ठीक है, चाहे जो ऐप के अंदर ग्रुप पोस्ट पूछ लिया करो, चाहे परसनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।